दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन 5 पौधों में से आप कोई भी एक पौधा घर पर लगा लें, महालक्ष्मी होती है खुश। ये पौधे व्यक्ति को करोड़पति से बना देते हैं करोड़पति। तो चलिए जानते हैं उन पौधों के नाम जो आपको माला माल बना सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, केले का पौधा अगर जिस घर में लगाया जाए तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा सदैव उस व्यक्ति पर बनी रहती है जो सच्चे दिल से इनकी भक्ति करता हो। लेकिन याद रहे, केले के पौधे के पास तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, मनी प्लांट घर में होना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर जिस व्यक्ति के घर में मनी प्लांट हरा भरा हो जाए तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मनी प्लांट किसी कामयाब व्यक्ति के घर से चुरा कर अपने घर में लगाने से धन लाभ होता है, रुतबा पैसा सब मिल जाता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार शमी का पौधा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कई लोग शमी के पौधे को घर में लगाने से बचते हैं क्योंकि इस पर शनिदेव का वास होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे मन्नत का पौधा भी कहा जाता है। कहते हैं रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने शमी के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वरदान मांगा था, जो कि पूरा हुआ था। शमी के पौधे में नियमित दीपक जलाने से शनिदेव गरीब से गरीब व्यक्ति को करोड़पति बना देते हैं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में तुलसी का पौधा घर में होना अति उत्तम माना जाता है। कहा जाता है हिंदू धर्म में जिस घर में तुलसी के पौधे में नियमित दीपक जलाया जाए तो और इनकी सच्चे दिल से सेवा की जाए तो उस पर विष्णु और महालक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी की कृपा भी बरसती है। उस व्यक्ति को करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, नंबर 5, फेंगशुई यानी बैंबू का पौधा, अगर आप बैंबू का पौधा लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि ये पौधा व्यक्ति को धनी बना देता है। ये पौधा अक्सर आपको शॉपिंग मॉल में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी बड़ी प्यारी है, सच्चे दिल से अगर माँ को याद करो तो वो अवश्य सुनती है। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है।